ये हमारी परंपरा रही है कि हम दिवंगत लोगों को निशाना नहीं बनाते हैं। धारा प्रवाह हिंदी में बोलती जयललिता। लेकिन स्वर्गीय श्री नरसिम्हा राव के विरुद्ध ऐसा उग्र भाषण किया गया है। हिंदी के एक एक शब्द का बेहद खूबसूरती से उच्चारण करती हुई जया। क्यों ऐसा किया गया, इसका कारण क्या है? अपने विरोधियों पर हिंदी में बड़े आसानी से हमला करती हुई जयललिता। हमारी भारतीय रीति रिवाज और सामाजिक आचरण उनको सिखाया न गया। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के करिश्माई व्यक्तित्व का ये एक अलग रंग था। व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें पार्टी के साथ अपने रिश्ते और सरकार में उत्तरदायित्व से पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए। अप्रैल 2007 की बात है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में तीसरे मोर्चे के नेताओं का कार्यक्रम था। एक काबिल नेता की तरह जयललिता इस बात को समझ रही थी कि किसी हिंदी प्रदेश में एक तमिल नेता के हिंदी में भाषण देने का क्या मतलब निकलेगा। तमिल भाषी और तमिल राजनीति की नायिका होने के बाद भी जयललिता ने हिंदी में धुआंधार भाषण दिया। यदि कोई अच्छा विकास कार्य होता है तो उसका श्रेय नेहरू गांधी परिवार द्वारा ले लिया जाता है, जबकि कोई गलत कार्य होता है तो उसके लिए सरकार को आरोपित किया जाता है। ये कैसा न्याय है? कांग्रेस पार्टी बार बार अपनी ऐतिहासिक भूलों को दोहरा रही है और बता रही है कि अन्य राजनैतिक गठबंधन अवसरवादी है, जबकि उन्हें इसका कोई नैतिक अधिकार नहीं। जयललिता के व्यक्तित्व के इस रूप की खूब सराहना हुई। तमिलनाडु में हिंदी विरोध का पुराना इतिहास रहा है, ऐसे में जयललिता के इस भाषण की अहमियत और बढ़ गई थी। जयललिता का हिंदी गीतों के साथ भी गहरा लगाव था। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर कहा था कि हिंदी फिल्मों के कई गीत उन्हें पसंद हैं। जयललिता को फिल्म दो आंखें बारह हाथ का ये गाना बेहद पसंद था। जयललिता ने अभिनेता धर्मेंद्र के साथ एक हिंदी फिल्म में भी काम किया था। तमिल और दक्षिण भारतीय भाषी होने के बाद भी वो इस हिंदी गाने में बेहद सहज लग रही हैं। ठीक नहीं तरसाना, छोड़ भी दे तरसाना, कर ले यही ठिकाना, मत शर्मा दुनिया से बाहर।